नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबर के साथ। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है रायपुर से। भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच आज खेला जाना है। बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे स्टेडियम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी स्टेडियम पहुंचे। तो आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच और अब से कुछ ही देर बाद टॉस भी होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्टेडियम पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में दर्शक भी स्टेडियम पहुंचे हैं। जब दोनों ही टीमें रायपुर पहुंची थी तो फैंस काफी एक्साइटेड थे। जमावड़ा लोगों का लगा हुआ था एयरपोर्ट से लेकर सीधा जो है होटल तक जहां खिलाड़ी रुके हुए थे वहां तक फैंस की काफी भीड़ थी और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह मैच को लेकर। रायपुर वासियों में खासा उत्साह इस मैच को लेकर। बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचे हुए हैं। काफी ज्यादा उत्साह है यहां पर देखा जा रहा है लोगों के बीच में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं स्टेडियम पहुंचे हैं और ये तस्वीर रायपुर से जहां पर मैच अब से कुछ ही देर बाद शुरू होगा और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच चुके स्टेडियम में। सीएम भूपेश बघेल भी स्टेडियम पहुंचे हैं और अब से कुछ देर बाद मैच के लिए टॉस होगा और उसके बाद जो है आज मैच होना है। 1:30 बजे से जो है मुकाबला मैच का शुरू हो जाएगा और दर्शक पहले से ही स्टेडियम पहुंच चुके हैं बड़ी संख्या में। काफी ज्यादा उत्साह। ये देखिए तस्वीरें, आप देखिए तिरंगे का जो है अपने चेहरे पर तिरंगा लोग बनवा रहे हैं। पूरे चेहरे को तिरंगे से जो है कलर कराया जा रहा है, ट्राई कलर बनवा रहे हैं लोग अपने चेहरे पर। बच्चे हों बड़े हों सभी में उत्साह काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। रायपुर वासियों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है। साथ ही जो है पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था वहां पर है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। पुलिस अधिकारी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच खिलाड़ी स्टेडियम पहुंचे। लोग जो है बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंच चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल भी स्टेडियम पहुंचे हैं मैच देखने के लिए। लोगों में काफी उत्साह है। 1:30 बजे से मैच शुरू होगा, उससे पहले लेकिन टॉस होगा और फिर जो है दोनों ही टीमों के बीच आज काफी रोमांचक मैच आज होगा। दूसरा वनडे आज 3 मैचों की सीरीज में आज दूसरा वनडे है न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच। तो काफी उत्साह है यहां पर लोगों में नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से जो है अपने चेहरे पर ट्राई कलर बनवा रहे हैं लोग, तिरंगा बनवा रहे हैं काफी उत्साह के साथ। चाहे बच्चे हों बड़े हों सभी उम्र के लोग जो है स्टेडियम पहुंच रहे हैं, अपने चेहरे पर तिरंगा बनवा रहे हैं, माथे पर तिरंगा बनवा रहे हैं। बच्चे भी जो है काफी उत्साह के साथ अपने चेहरे पर ट्राई कलर तिरंगा बनवा रहे हैं और फिर उसके बाद स्टेडियम में मैच देखने के लिए जो है बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। चलिए अब एक और अपडेट आपको बता देते हैं। भारत ने टॉस जीत लिया है, टॉस हो चुका है। 1:30 बजे क्योंकि मुकाबला शुरू हो जाएगा और उससे पहले भारत ने टॉस जीत लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चलिए एक और अपडेट आपको देते हैं। टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी का फैसला किया है, पहले टीम इंडिया गेंदबाजी करेगी। भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे आज होना है 3 मैचों की सीरीज में। ये दूसरा वनडे है, भारत टॉस जीत चुका है और गेंदबाजी का फैसला भारत ने किया है। भारत ने टॉस जीता है, गेंदबाजी का फैसला भारत ने किया है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। इसके लिए लोग जो हैं पहुंच चुके हैं, बड़ी संख्या में दर्शक यहां पर पहुंचे हुए हैं।
और रायपुर से हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? अभी अब से कुछ देर बाद जो है मैच शुरू होना है, लेकिन फिलहाल आपके पास क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, लोगों में काफी उत्साह है। रायपुर छत्तीसगढ़ में पहला वनडे इंटरनेशनल मैच हो रहा है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सीएम भूपेश यहाँ पहुंचे हैं, साथ में कोई मंत्री भी साथ में पहुंचे, विधायक भी पहुंचे हैं। अभी टॉस हुआ है, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है और लोगों में काफी उत्साह है। समय से पहले ही पहुंच गए हैं, क्योंकि पहला इंटरनेशनल मैच यहाँ देखने को मिल रहा है। अपने फेवरेट प्लेयर की झलक लेने के लिए, बस एक झलक ले लोग यहाँ पहुंचे हैं। काफी लंबे समय से लोगों को इंतजार था, जिसका इंतजार अब लोगों के बीच में खत्म हुआ है। जी जी लविंदर, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि काफी पहले से दर्शक वहां पर पहुंच चुके हैं, काफी उत्साह लोगों में है। इसके साथ ही और अगर वीवीआईपी वीआईपी की बात करें, सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं ये भी खबर है। इसके अलावा और कौन-कौन पहुंचा है वहां पर? देखा जाए तो अभी दो ही मंत्री पहुंचे हैं, रविन्द्र चौबे पहुंचे हैं और मोहम्मद अकबर पहुंचे हैं। कुछ देर में कवासी लखमा भी क्षेत्र से निकल गए हैं, जहां तक सूचना है कि आधे पौन घंटे में वो भी पहुंच जाएंगे। विधायक पहुंच हुए हैं, लगभग विधायक पहुंच चुके हैं। समय के हिसाब से धीरे धीरे सभी मंत्रीगण, सभी बड़े अधिकारी यहाँ पहुंच जाएंगे मैच का लुत्फ उठाने। जी बिल्कुल, मैच का लुत्फ उठाने के लिए सभी पहुंच रहे हैं। दर्शकों की बात की जाए, दर्शक दीर्घा की बात की जाए, कितनी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं वहां पर? जी अभी देखा जाए तो लगभग 20 से 25 हजार लोग तो पहुंच चुके हैं। अभी समय की चालू हुआ है, अभी मैच हो सकता है, तो अनुमान ये लगा सकता है कि आधे 1 घंटे 2 घंटे में पूरा स्टेडियम पैक होने की पूरी संभावना है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है अपनी सुरक्षा को लेकर। धीरे धीरे सर होते पूरी संभावना। जी जी शुक्रिया लविंदर इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं स्टेडियम में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज ये दूसरा मैच है और शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच हो रहा है। टीम इंडिया इस सीरीज का पहला मैच जीतकर 1-0 की बढ़त बना चुकी है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में कप्तान रोहित शर्मा सीरीज अपने नाम करना चाहेंगे। हैदराबाद में खेला गया सीरीज का पहला वनडे हाई स्कोरिंग मैच रहा, जिसमें टीम इंडिया को अंतिम ओवर में जीत मिली थी। भारत न्यूजीलैंड के बीच ये दूसरा वनडे आज हो रहा है रायपुर में। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच हो रहा है और काफी संख्या में दर्शक पहुंच चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं, रविंद्र चौबे पहुंचे चुके हैं, कवासी लखमा भी थोड़ी देर में ही पहुंचेंगे। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है और आज भी जो है कप्तान रोहित शर्मा सीरीज अपने नाम करने की पूरी यहां पर कोशिश करेंगे कि दूसरा मैच भी वो जीत सके। दोनों टीमों के बीच सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी। शुभमन गिल की 208 रन की पारी के दम पर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 349 रन बनाए थे।